हेलो हाय, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो हाय, नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। धीरे धीरे आप देख सकते हैं पहाड़ों में मौसम खुलने लग गया है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और सामने से खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है हिमालय पर्वत का। पहाड़ों में आप जहां भी जाएंगे, हमारे जो इलाका है, जो गुप्तकाशी वाला इलाका है, तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से हिमालय पर्वत दिखाई देता है। तो सामने से सुंदर सा नज़ारा है हिमालय पर्वत का। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट के पार्ट नंबर 3 में। तो जो पार्ट नंबर 3 है लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का, वह पार्ट नंबर 3 है गबनी घाट का। तो यहाँ पे जो गधेरा बहता है उसका नाम गबनी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इस वाले प्रोजेक्ट का जो पार्ट का नाम रखा गया है वो गबनी घाट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी एडिटें बनी हुई हैं वो एडिट नंबर 2 के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे बीच में गधेरा है और एडिट के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ एडिटें बनी हुई हैं। अभी जो आपको मेरे पीछे से जो एडिट दिखाई दे रही है, ये पहली वाली एडिट है, एडिट नंबर 2, और पल्ली गधेरा के पल्ली पार दूसरी एडिट थी। तो इन एडिटों को आपस में ज्वाइंट होना था और इन एडिटों के माध्यम से पानी आगे के लिए यानी कि मैखंडा के लिए जाना था। तो अभी मैं गबनी घाट का जो पार्ट नंबर 3 है लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का, उसका पूरा ओवरऑल व्यू अभी आपको दिखा देता हूँ। सामने से जो आपको टनल दिखाई दे रही है, वह टनल जो रामपुर वाली साइड की है, और बीच में ये गधेरा है, और इस वाली साइड है दूसरी टनल जो कि फाटा की तरफ है, और उधर वाली टनल जो मैंने आपको पहले दिखाई है, और ये वाली टनल, इन दोनों टनलों को आपस में जुड़ना था। और यहाँ पे काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं जो टनल के बाहर लगी होती हैं अक्सर। इस वाले पार्ट्स में मैं आपको बता दूं, लेंको हाइड्रो कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो 13 की आपदा आई थी, उस 13 की आपदा के कारण अभी आप देख सकते हैं सामने से जो अंदर रोड जा रही थी टनल के लिए, वो भी पूरी ध्वस्त हो गई है। और सामने से इनके कई वाहन जैसे ट्रक, जो बड़े बड़े यहाँ पे काम करते थे, वो सारे ध्वस्त हो गए हैं और सारे बह गए हैं। और कुछ तो पूरी जो नीचे नदी है, मंदाकिनी नदी, उसमें चले गए हैं। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वाले पार्ट्स में। अभी आप देख सकते हैं ये आगे से ये वाला ट्रक भी पूरा ख़राब हो रखा है, एक ये वाला है, ये भी पूरा आपदा के पानी के कारण पूरा ख़राब हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में जो यहाँ पे ट्रक थे वो सारे ख़राब हो गए हैं और आपदा के कारण सारे बह गए हैं। और हम मान सकते हैं कि जो लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का ये गबनी वाला पार्ट्स है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सामने से आपको जो नीचे गधेरे में दिख रहा होगा, वो है बूमर, जो कि काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है। यह पूर्ण रूप से ख़राब हो गई है और पूरे गधेरे में गिर गई है। और सामने से इनका प्लांट लगा हुआ था, जब यहाँ पे 2013 से पहले काम होता था, तो ये प्लांट अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और जो प्लांट के पीछे आपको पूरी टिन की कॉलोनी दिख रही होंगी, वो गार्ड वाली कॉलोनी थी, और जितने भी यहाँ पे लेबर लोग रहते थे उनके लिए वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई थी। और यहाँ पे जो सामने से आपको पुल दिखाई दे रहा है, वह NH 107 का है। ये जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, जो कि केदारनाथ वाली लाइन है, तो इसके ठीक नीचे अब नया वाला पुल बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी चालू है। और जो सामने से आपको जो रोड दिखाई दे रही है, वो केदारनाथ वाली रोड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो इधर वाली टनल के लिए रोड आती थी, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे बहुत सारे लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ हुआ करती थी, जिनमें से कुछ ही गाड़ियाँ
यहाँ पे बची हुई हैं, यानी कि जो इनके बड़े बड़े ट्रॉले और बड़ी बड़ी मशीनें होती थी वो सारी बह गई हैं, और टनल के आगे की जो ये पूरी रोड है ये भी पूर्ण रूप से टूट गई है। और ये वाली टनल से देख सकते हैं आप काफ़ी पानी निकल रहा है। ये रामपुर वाली साइड वाली टनल है, और यहाँ नीचे तो आप देख ही रहे होंगे इनकी काफ़ी नुकसान हुआ है। और 2013 की आपदा से लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से बंद हो रखा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम अभी चालू नहीं है, तो यह पूर्ण रूप से बंद है। और सामने से जो आपको रोड दिखाई दे रही है वो पहले काफ़ी ऊपर कॉलोनी तक जाती थी, जो कि अब पूर्ण रूप से टूट गई है, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। तो अभी फ़िलहाल लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम 2013 की आपदा से पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। और सामने से आपको जो टनल दिखाई दे रही है उसके बाहर से जो लाइट के लिए डीजी लगाए गए हैं वो अभी तक शेष बचे हुए हैं, और अभी तक यहाँ पे जो गार्ड हैं वो अभी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी इन कंपनी का जो शेष सामान बचा हुआ है उसकी रखवाली के लिए गार्ड अभी रखे हुए हैं। ये वाला जो पार्ट्स है लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का, तो ये एडिट नंबर 2 है। तो ऐसी टनलें यहाँ पे दो प्रकार की दो टनलें बनी हुई हैं, और एक इस तरफ है, यानी कि जो रामपुर वाली साइड है एक टनल इस साइड बनी हुई है, और दूसरी टनल को मैं आपको दिखाऊंगा जो कि बीच में गदेरा है, और गदेरा के उस पार जो टनल आपको दिखाई दे रही है यह दूसरी वाली टनल है। इन टनलों को, ये जो दोनों वाली टनल हैं, ये वाली टनल और इस साइड वाली जो टनल है, उन दोनों टनलों को आपस में जुड़ना था, और इन दोनों टनलों के माध्यम से पानी को नीचे यानी कि मैखंडा की तरफ जाना था और पावर हाउस की तरफ जाना था। तो ये जो पूरा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है ये गबिनी घाट का है, जो कि लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट का पार्ट्स नंबर 3 है। अभी आप देख सकते हैं ये रामपुर की साइड वाली टनल है, और इस टनल से काफ़ी मात्रा में पानी निकल रहा है। लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी भी टनलें हैं वो लगभग 85% इन टनलों के अंदर पूरा काम हो रखा है, और सिर्फ इन टनलों को आपस में जोड़ना बाकी रह गया था, लेकिन 2013 की आपदा के कारण लेंको हाइड्रो प्रोजेक्ट बंद हो गया है, और इसी वजह से यह काम आधा अधूरा ही छूट गया है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का समापन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और जो लेंको कंस्ट्रक्शन वर्क वाली जो सीरीज है वो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।